रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जब इस एडिशन में लगातार 6 मैच हारी तो तय लगने लगा था कि वो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, लेकिन अचानक ही फाफ एंड कंपनी ने जोरदार कमबैक किया और लास्ट के लगातार 3 जीत के साथ उन्होंने प्लेऑफ की उम्मीदें एकदम से जगा दी हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के लिए अभी भी प्लेऑफ में जगह बनाने का पूरा मौका है। फिलहाल आरसीबी के 11 मैचों में 8 अंक है और उन्हें अब यहां से 3 लीग मैच खेलने हैं, ऐसे में उन्हें प्लेऑफ की रेस से बाहर नहीं माना जा सकता। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि आरसीबी की टीम कैसे प्लेऑफ में एंट्री कर सकती है। आरसीबी के फैंस अभी भी अपनी टीम से टॉप 4 की आस कर सकते हैं। अब इसके लिए आरसीबी को कुछ अपने परफॉर्मेंस के साथ ही बाकी टीमों के रिजल्ट पर भी निर्भर होना पड़ेगा। आपको बता दें आखिर आरसीबी कैसे प्लेऑफ में कर सकती है एंट्री। पहली कंडीशन, यहां से आरसीबी के 3 मैच बचे हैं, उन्हें अपने बचे 3 मैचों में जीतने होंगे जिससे वो 14 में से 14 पॉइंट्स अपने नाम कर ले। साथ ही उन्हें कुछ बड़ी जीत भी हासिल करनी होगी जिससे रन रेट का मसला फंसा ना सके। दूसरी कंडीशन होगी आरसीबी के लिए बात अपनी जीत से नहीं बनेगी, इसके लिए उन्हें बाकी टीमों के रिजल्ट पर भी निर्भर होना पड़ेगा। यानी वो ये चाहेंगे कि 3 टीमों से ज्यादा कोई टीम 16 पॉइंट्स पर ना पहुंचे जिससे रास्ता आसान हो जाए। तीसरी कंडीशन होगी आरसीबी को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए चाहेगी कि यहां से गुजरात टाइटंस, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें अपने सभी मैच ना जीते। साथ ही ये भी दुआ करनी होगी कि सनराइजर्स हैदराबाद, लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स भी, इनमें से कोई टीम यहां से अपने बचे 3-3 मैचों में 2-2 मैच हार जाए जिससे वो टीमें 14 पॉइंट्स पर ही सिमट जाएगी और आरसीबी के लिए मौका बन सकता है। चौथी कंडीशन होगी ऊपर के 3 समीकरण होने के बाद सभी टीमों के 14-14 अंक होंगे, ऐसे में बेहतर नेट रन रेट वाली टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी। आरसीबी की टीम अपने बाकी बचे मैच बड़े अंतर से जीतना होगा जिससे उनका प्लेऑफ में जाने का रास्ता आसान होगा। आरसीबी के लिए डगर तो बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि वो किस तरह से इसे पार करते हैं। आपको क्या लगता है कि आरसीबी प्लेऑफ में जगह बना पाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन जरूर शेयर करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।